इस देश के युवा इस देश की राजनीति को तय करते हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में इस देश के युवाओं के लिए क्या मुद्दे हैं, खासकर रोजगार और शिक्षा के, बात करते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले कुछ छात्रों से जो हमारे साथ हैं। आपसे बात करना चाहेंगे, सरकार ने पिछले 5 सालों में जो किया उसे छात्र किस नज़रिए से देखता है? जी, सरकार ने शिक्षा के लिए सबसे पहला और प्रमुख वो इस बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी ले आया, जो कि रिफॉर्म के तौर पे देखा जाता है। 1986 में इसके पहले रिफॉर्म हुआ था, उसमें रिफॉर्म की ज़रूरत तो थी, और लेकिन अभी तक इसको 2020 में इसको मटेरियलाइज हो जाना था, मतलब 2020 में आया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बट लेकिन अभी तक विश्वविद्यालय में या उसके करिकुलम में ये एक एक साल पोस्टपोन ही होता जा रहा है। और जो विश्वविद्यालय के मुद्दे भी अगर हम लोग देखें तो जो सेशंस हैं, अभी भी सेशन भी रेगुलराइज नहीं हुए हैं, अभी एडमिशन चल रहे हैं सितंबर, तो इस सबसे स्टूडेंट के इंटरेस्ट का बहुत क्या कहते हैं उसको, मतलब प्रमोट नहीं हो पा रहा है, जो स्टूडेंट का इंटरेस्ट है वो प्रमोट नहीं हो पा रहा है। सारे विश्वविद्यालयों में, चाहे वो प्राइवेट हो, प्राइवेट तो फीस ज़्यादा होती है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें फी हाइक, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, ये बहुत प्रोटेस्ट हुए पिछले साल, उस पर भी सरकार का कुछ अलग सा स्टैंड नहीं रहा विश्वविद्यालय प्रशासन, जिसे छात्र अभी संतुष्ट नहीं है। जी, वो रोजगार भी एक मुद्दा होगा, आपसे बात करेंगे रोजगार की स्थिति, आप लोग रोजगार के लिए ही तैयारी कर रहे हैं, 5 सालों में कैसा देखते हैं? रोजगार की बात ये है सर, कि एक उदाहरण आपको देते हैं छोटा सा। पिछले साल हम लोगों ने पीजीटी यूपी की का पात्र था, क्योंकि अब सरकारें रोजगार को अपने चुनावी बिगुल और चुनावी फायदा से जोड़ दी। अब वो ये चाहती हैं कि हम रोजगार देंगे तब जब लोकसभा का चुनाव आ जाएगा, जब विधानसभा का जो चुनाव आ जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको, पिछले साल हम लोगों ने इसी महीने में पीजीटी, जो कि इंटर कॉलेज लेक्चर के लिए होता है और यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म अप्लाई किया है, आज 1 साल होने का आ गया है, अभी तक जो है उसका ना तो कोई एग्जाम का ना तो कोई डेट है, एडमिट कार्ड और दूर की बात। तो मतलब सरकारें इस सब चीज को लेकर संवेदनशील नहीं, वो अपना चुनावों का मुद्दा बना के चल रही है, इसको चुनावी लाभ लेना चाहती है। सरकार संवेदनशील नहीं है, और संवेदनशील सरकार को होना चाहिए, खासकर तब जब देश का भविष्य युवा हो और युवाओं को जरूरत होती है नौकरी की। नौकरियों की क्या स्थिति है? देखिए, मेरा ये मानना है कि इतने बड़े देश में जहाँ 150 करोड़ लगभग पॉपुलेशन है, तो सबको सरकारी नौकरी दे पाना तो असंभव है। सरकार का प्रयास ये होना चाहिए कि प्राइवेट क्षेत्र में लोगों को सेल्फ रिलायंस बनाए और उसको लेकर कार्य करें। और दूसरी चीज़ ये है कि सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, जैसे मैंने 12वीं तक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा, उसके बाद चूँकि रुचि ह्यूमैनिटीज में थी तो अभी मैं PhD कर रहा हूँ, तो अगर मैं PhD कर लेता हूँ तो मेरे पास सरकारी नौकरी के अलावा क्या विकल्प रहेगा, इस पे सरकार को काम करना चाहिए। आपका मतलब है कि स्किल डेवलपमेंट की तरफ सरकार का फोकस होना चाहिए, और मुझे लगता है जो नई एजुकेशन पॉलिसी उसमें स्किल डेवलपमेंट की तरफ सरकार का फोकस रहा है, आपको लगता है ये कदम अच्छा था सरकार का? सर, ये कदम बहुत अच्छा था सरकार का, लेकिन मैं 1-2-3 कमियां गिनाना चाहूँगा आज के एजुकेशन सिस्टम की। सबसे बड़ी कमी है सर ये जो हिंदुस्तान में जो उच्च शिक्षा विभाग है उसके नियुक्ति की प्रक्रिया, सर उसकी नियुक्ति की प्रक्रिया में दो तरह की डिस्पेरिटी है। एक तो सर रीजनल डिस्पेरिटी है कि हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगर किसी केरला के टीचर का नियुक्ति हो जा रहा है तो लैंग्वेज प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे यहाँ समझने में दिक्कत कर रहे हैं। और दूसरा सर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि इतने बड़े उच्च शिक्षा संस्थान के लिए, जैसे सर प्राइमरी लेवल पे टीचिंग के लिए आयोग होता है, सेकेंडरी लेवल टीचिंग के लिए आयोग होता है, हायर में डिग्री कॉलेज के लिए भी आयोग होता है, लेकिन सर उच्च संस्थान जो सबसे ज़्यादा हाई पेड वैल्यू संस्थान है, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, BHU यूनिवर्सिटी हो गई, इसके प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए सर भारत में कोई ऐसा आयोग नहीं है। जो इसमें सबसे बड़ी भ्रष्टाचार और जो कह रहे सर पैटर्की की सबसे बड़ी वजह है, तो सर हमको लगता है अगर उच्च शिक्षा संस्थान को सही करना है तो भारत सरकार को ऐसे आयोग जैसे UPSC आयोग है उसी तरह के आयोग बनाने की आवश्यकता है। और सर दूसरी चीज़ मैं कहूँगा विश्वविद्यालयों के लिए, सर शिक्षा सुलभ हो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, तो सर सबसे बड़ी जरूरत है यहाँ पर लाइब्रेरी के अभाव है। सर मेनली सर जितने भी यूनिवर्सिटी हम लोग यहाँ पढ़ते हैं वहाँ लाइब्रेरी नहीं है, अच्छी लाइब्रेरी है तो उसमें अच्छी पुस्तकें नहीं है, हिंदी मीडियम के विद्यार्थी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है सर। और जो सबसे बड़ी समस्या है सर फी हाइक की, जो भैया भी बात किए हैं, फी हाइक की समस्या सबसे बड़ी है सर। गरीब गाँव से आने वाला बच्चा इलाहाबाद शहर में जो कि आज से 2 साल पहले 4 साल में पढ़ लेता था उसके लिए पढ़ना बहुत मुश्किल हो गया सर। जी, आपको लगता है कि 5 साल में सरकार ने ऐसा कुछ युवाओं के लिए शिक्षा के लिए काम किया जिससे आप लोग संतुष्ट हो? देखिए, इसका जवाब ये नहीं कहेंगे पूरी तरीके से संतुष्ट है या पूरी तरीके से असंतुष्ट है। कुछ नीतियां सरकार की जो है बहुत अच्छी रही हैं, जैसे नई शिक्षा नीति लाना और उसको एक इंटीग्रेटेड मैनर में लाना, कि जैसे ये ना हो कि कंपार्टमेंटलाइज, जैसे उन्होंने
शिक्षा में खत्म किया कि ह्यूमैनिटीज और साइंस का कंपार्टमेंटलाइजेशन खत्म किया, वो अच्छा है। जैसे मेरा दो सब्जेक्ट है मास्टर है, स्टैटिस्टिक्स और पॉलिटिकल साइंस, दोनों मेरा फेवरेट है। लेकिन जो यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी टाइप की चीजें हैं वो अभी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पूरी तरीके से लागू नहीं हो पा रही है। IITs अडॉप्ट कर रही है, बाहर की विदेशी यूनिवर्सिटी अडॉप्ट कर रही है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस से नेट चेयर हूँ, तो मैं ये अगर चाहूँ स्टैटिस्टिक्स में रिसर्च करना कुछ पॉलिटिकल स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड, तो यहाँ पे वो संभावना नहीं है। तो रिसर्च के लेवल पे हमारी यूनिवर्सिटी बहुत पीछे हैं, मैं तो कहूँगा 40-50 साल पीछे हैं। यहाँ का लिटरेचर बहुत पुराना है, और सबसे बड़ी चीज़ जो उच्च शिक्षा संस्थान है उनका फोकस जो है रिसर्च पे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन रिसर्च को छोड़ के और सारी एक्टिविटीज़ पे फोकस ज़्यादा है। और यही वजह है कि जो हमारी रैंकिंग है जो वो भी बहुत नीचे है, और नीचे हो क्योंकि जो रिसर्च है उसको रैंकिंग में सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, सबसे ज़्यादा पॉइंट रिसर्च पे ही मिलते हैं। तो अगर देश को आगे बढ़ना है तो मतलब चाहे ह्यूमैनिटीज़ हो चाहे साइंस हो, रिसर्च के क्षेत्र में मतलब यूनिवर्सिटीज़ को आगे बढ़ाना होगा। और सेंट्रल इंस्टीट्यूशन जो है उनसे फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी चीज़ों की कमी है। और एक तरीके से NEP में बहुत सारी चीज़ें, बहुत टेक्निकल रिफॉर्म्स हुए हैं, वो सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक देखने को नहीं मिला है। कार को लेकर के मार्किंग की जाए तो आप कितने मार्क्स देंगे 10वें से? सर 1964 में कोठारी कमीशन में 6% GDP का उसको खर्च करने के लिए बोला गया था एजुकेशन, जो अभी तक न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी शायद वो शामिल नहीं किया गया। लेकिन 2014 के बाद से जैसे जो डिजिटाइजेशन का जो प्रोसेस जो तेज हुआ है, ठीक है, और सरकार ने उसको और तेज करने का जो काम किया है, इससे बहुत सारे लोगों को स्किल्स और ये सब कि थ्रू द नेट या थ्रू द एक्सेस ऑफ इंटरनेट ये सब मिला। तो अभी अगर 10 में से दिया जाए तो मैं 5 पर। तो प्रयागराज में ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा ले रहे हैं, उनका कहना है कि सरकार ने बहुत कुछ किया है लेकिन बहुत कुछ किया जाना बाकी है, और इसके लिए उम्मीद है कि आने वाले समय में भी उनके लिए कुछ अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी होगी और रिसर्च का स्टैंडर्ड भी बेहतर होगा। दिनेश सिंह, TV9 भारत, प्रयागराज।